राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी एवं परिवारवादी के लिए बिहार के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और अब बिहार में जंगल राज बिल्कुल ही खत्म हो गए है। अब लालू प्रसाद यादव को एनडीए की सरकार के रास्ते पर चलना होगा। जी हाँ, इस तरह के बयान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं ने अपने अपने ओपिनियन दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी राज्यसभा के सदस्यों को नामित किया है और नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन ये सारे बिहारी थे, पिछड़ा अति पिछड़ा हर तबके के लोग थे। लेकिन राजद ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने हरियाणा के लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया है बिहार से। बिहार में कोई यादव नहीं बचे थे, बिहारी कोई नहीं बचा था उनके दल में, वो हरियाणा के लोगों को भेजे थे। जो जितने बड़ा कलाकार हो देश में वो सब राजद से जाएंगे। राजद जो है कलाकारों का पूछ है, जो सियासी कलाकार है उनकी पूछ है, बिहारियों की पूछ नहीं है। भ्रष्टाचारियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब भ्रष्ट लोगों को बिहार में नहीं चलने वाली है। लालू प्रसाद जी सपने देखना बंद कर दीजिए, अब बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। एनडीए की सरकार बनी है, कानून का राज स्थापित होगा। और आप जिस प्रकार से सपने देख रहे हैं कि दरवाजा खुल जाएगा और फिर लूट मचाएंगे, लूट की छूट खत्म हो गई। बिहार में सरकार बदल गई है, एनडीए की सरकार बन गई है, पता होनी चाहिए। और आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बना रहे हैं युवराज को, तो प्रधानमंत्री बनाने का भी सपना मत पालिए। यह सत्ता में परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी नहीं बैठेंगे। देश की जनता ने तय कर दिया है कि परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादियों से मुक्ति लेना है। देश में पिछले दो बार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब इस सरकार को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। भ्रष्टाचारियों के मन से पूरे नहीं होंगे, अब वो समय नहीं आने वाला है। जाके कह दे कोई सोनों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बहुत तैयारी से। लालू जी, तेजस्वी जी, कमल के फूल की तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। अब आपके दरवाजे का कोई अस्तित्व नहीं बचा, वो खुला रहे बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर खुला रखेंगे तो लोग आपको छोड़ छोड़ कर भागेंगे। अपने दरवाजे को संभालिए, अपने दर को संभालिए, अगल बगल झांकना बंद करिए। अभी समय आपका और बुरा आने वाला है, जनता आपको धूल चटाने वाली है।